सत श्री अकाल जी, सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं अज दिया हुण तक दिया सब तो वड्डियां ते ताज़ा खबरों तो। पाकिस्तान सरकार ने एक अहम फैसला लेंदिया देश दे विच लागू किया सिख मैरिज एक्ट। एस जी पी सी नूं भी अपील की कि भारत दे विच भी इस एक्ट नूं लागू करवाया जाए। 29 जुलाई नूं पंजाब भर के पेट्रोल पंप रहणगे बंद। दसांगे कि क्यों इन्ना वड्डा फैसला लिया गया है, इसके पिछला की कारण है। निजी स्कूलों ने बच्चों के मापिया वास्ते जारी किया नवा नोटिस। 31 जुलाई तक भरनिया पैणगियां फीसां। गल करांगे पंजाब दे विच नियमां दी उलंघना कर रहे पंजाबियों की। 5 रुपए का मास्क ना पाके भर रहे ने 500 रुपए का जुर्माना। कुछ कु दिनों दे विच पंजाब विच पंजाबियों नूं लगाया गया है 22 करोड़ का जुर्माना। गायक सिद्धू मूसेवाला के हक विच निधरी सियासतदान नवजोत कौर लंबी। कहा पंजाबियों नूं गायक सिद्धू मूसेवाला नूं सपोर्ट करनी चाहिए है। रोपड़ जेल विच भी पहुंचा कोरोना वायरस। शिवसेना के आगू सुधीर सूरी नूं भी कोरोना ने लिया अपनी लपेट विच। हुण भारत विच भी जल्दी ही बन सकती है कोरोना की वैक्सीन। भारत के 6 शहरां दे विच हो रहे ने मनुखी परीक्षण। उत्थे ही भारत विच लॉन्च की गई कोरोना की सब तो सस्ती दवाई जिसकी कीमत है सिर्फ 39 रुपए। अमरीका कर रहा है 33,000 भारतीयों नूं डिपोर्ट करन दी तैयारी। पंजाबी वड्डी गिणती विच शामिल ने इन्हां डिपोर्ट होण वाले भारतीयों दे विच। हुण जान लैणे हां खबरां विस्थार दे नाल। पाकिस्तान सरकार दे वल्लों एक सिखां दे वास्ते सिख भाईचारे दे वास्ते एक अहम ते वड्डा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान दे विच सिखां दीआं भावनावां दी कदर करदे होए सिख मैरिज एक्ट लागू कर दिता गया है। पाकिस्तान सरकार दे इस फैसले तो बाद समुची सिख कौम अते पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान सरकार दा धन्नवाद कीता है। दस दईए कि पाकिस्तान सरकार ने देश विच आनंद मैरिज एक्ट लागू करन वास्ते इस दे खरड़े ते चर्चा वास्ते पार्लीमानी सकत्तर महेंद्र सिंह ते खालिस्तान पक्षी आगू गोपाल सिंह चावला तो इलावा एम पी ए रमेश सिंह अरोड़ा, सतवंत सिंह प्रधान, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दया सिंह ग्रंथी श्री ननकाणा साहिब अते रणजीत सिंह ग्रंथी लाहौर नूं भी इस मीटिंग दे विच शामिल किया गया सी। ते पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस इतिहासिक फैसले तो बाद एस जी पी सी नूं भी अपील की है कि वह भी सिख मैरिज एक्ट नूं भारत देश विच लागू करन वास्ते यतनशील होवे तां जो भारत दे विच सिखां दी वक्खरी पहचान कायम रह सके, क्योंकि भारत विच सिखां दे विआह हाले भी हिंदू मैरिज एक्ट दे अधीन ही रजिस्टर्ड कीते जांदे ने। पंजाब वासियां वास्ते एक होर वड्डी खबर है कि पंजाब भर के सारे पेट्रोल पंप 29 जुलाई नूं बंद रखे जाएंगे। इसका ऐलान पेट्रोल पंप डीलर एसोसीएशन पंजाब दे वल्लों कीता गया है। दरअसल मोहाली दे एक पेट्रोल पंप संचालक जी एस चावला ने बीते दिनी आत्महत्या कर ली सी, जिस दे रोस वजों पेट्रोल पंप डीलर एसोसीएशन ने 29 जुलाई नूं पंजाब दे सारे पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप दुआबा एसोसीएशन के प्रधान परमजीत सिंह दुआबा ने इस संबंधी जानकारी देते हुए कहा है कि जी एस चावला पंजाब विच सब तो ज़्यादा सन्मानित पेट्रोल पंप डीलर के विचों सन। इस करके ही हुण पेट्रोल पंप डीलर एसोसीएशन चावला की इस खुदकुशी का पेट्रोलीयम महकमे अते पंजाब सरकार दे कोल सख्त रोस जताएगी। उन्होंने दस्या है कि 29 जुलाई में पेट्रोल पंप सवेरे 8 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक बंद रखे जाएंगे। दरअसल मोहाली स्थित चावला फिलिंग स्टेशन के मालिक गुरकृपाल सिंह चावला के वलों बुधवार शाम को पंचकुला सैक्टर 1 स्थित रैड बिशप होटल में खुदकुशी कर ली गई सी, जिस संबंध में उन्होंने ड्राइवर वलों पुलिस और उन्होंने परिवार को जानकारी दी गई, जिस तो बाद पुलिस वलों उन्होंने सैक्टर 6 के हस्पताल लिया गया जिथे डॉक्टर ने उन्होंने मृतक घोषित कर दिता। जांच तो बाद पुलिस ने होटल के कमर में 9 पन्नों का एक खुदकुशी नोट बरामद किया, जिसके आधार उत्ते पुलिस ने हिंदुस्तान पेट्रोलीयम के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस तो इलावा खुदकुशी नोट में चावला ने पेट्रोल माफिया का जिक्र भी किया। पंजाब भर के कोरोना वायरस का करके भी एक पूरी तरह नाल कहर मचिया होया है, क्योंकि लगातार जड़े कोरोना वायरस के अंकड़े आ वधदे ही नज़र आ रहे हैं। इस करके देश सूबे
ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇ ਹਨ। सूबे के लोग सरकार के वालों बनाए नियमों नूं ताक ते रख के इन्हां दी पूरी तरह नाल उलंघना कर रहे हैं, जिसका अंदाजा 67 दिनों के भरे गए जुर्माने तो ही लगाया जा सकता है। इस गल का खुलासा सिविल एंड पुलिस प्रशासन के वालों तैयार की रिपोर्ट के होया है। हुण सिविल अते पुलिस प्रशासन के वालों तैयार की रिपोर्ट मुताबक लॉकडाउन तो बाद मास्क ना पहनने वाले 5,32,580 लोगों उत्ते 22.60 करोड़ का जुर्माना उन्होंने लगाया गया है। पंजाब सरकार के वलों कोरोना वायरस सेफ्टी प्रोटोकॉल तहत राज दे विच करफ्यू भी लगाया गया सी। इस दौरान 17 मई नूं घर तो बाहर निकलते समय मास्क पहनना लाजमी कर दिता गया सी। मास्क दे नाल जुड़े नियमों तोड़न लई सरकार दे वलों 200 रुपए जुर्माना ऐलान किया गया सी। इस तो 11 दिन बाद 29 मई नूं सरकार ने जुर्माने की रकम वधा के 500 रुपए कर दी। DGP दिनकर गुप्ता के अनुसार राज्य में मास्क ना पहनने वास्ते हर रोज़ औसतन 5,000 लोगों के चलान कटे जा रहे हैं। रिपोर्ट के विच ये भी खुलासा होया है कि सूबे में सिर्फ 15% लोग केंद्र अते राज सरकार दे दिशा निर्देशों की पालना कर रहे हैं, जबकि बाकी के जिहड़े 85% लोग आ ओह नियमों की अणदेखी कर रहे हैं, यानी कि इन्हां दी उलंघना कर रहे हैं। जलंधर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि जिले के लोगों ने कोरोना तो बचने वास्ते 2 तो 5 रुपए के मास्क नहीं पहने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना जरूर अदा कर दिते हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने मास्क लाजमी करन तो बाद जिले में ही 21,594 व्यक्तियों के चलान कट्टे गए ने ते हुण तक 42 व्यक्तियों ने घर दे विच जो उन्हां नूं क्वारंटीन रख्या गया है उन्हां दे नियमां नूं भी तोड़िया है, जिस तों उन्हां नूं 75,000 जुर्माना उन्हां तों वसूलिया गया। इस तों इलावा 405 लोगों नूं जनतक थावां उत्ते थुकदे होए फड़िया गया है ते 92,100 रुपए जुर्माना किया गया। शरीरक दूरी ना बनाउण ते पुलिस ने 193 लोगों तो 3.90 लाख का जुर्माना वसूलिया है। इस तों इलावा करफ्यू नियमों की उलंघना करने लई भी हुण तक 2,192 वाहन जब्त किए जा चुके ने। निजी स्कूलों ने बच्चों के मापियां वास्ते एक नवा ही फुरमान जारी किया है। CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मापियां नूं हुण अप्रैल तो जून 2020 तक दीआं रहिंदीआं फीसां 31 जुलाई 2020 तक जमा करवाउणियां पैणगियां। इस संबंध में CBSE एफिलिएटेड स्कूल एसोसीएशन ने एक जनतक नोटिस जारी किया है। इस दे नाल ही नोटिस विच कहा गया है कि कोरोना महामारी करके लगे लॉकडाउन दौरान जिहड़े मापियां दी आर्थिक स्थिति उत्ते असर पिया है, जिहड़े फीस नहीं भर सकते, वह एक अर्जी लिख के अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति के सबूतों वजों जरूरी दस्तावेज नाल नत्थी करके इस नोटिस के जारी होने तो 7 दिनों के अंदर अंदर संबंधित स्कूल अथॉरिटी के कोल जमा करवा सकते हैं, जिस उत्ते विचार करते हुए उन्होंने मापियां नूं फीसां विच राहत दी जाएगी। दसनयोग है कि हाईकोर्ट वालों जारी हुक्मां दे मुताबक मापियां नूं पूरी ट्यूशन फीस जमा करवानी पवेगी, जबकि स्कूलों के मुड़ तो खुलण तक सालाना चार्जस के 70% जमा करवाने पैणगे। जदों भी स्कूल खुलणगे तां बाकी महीनियां दे सालाना चार्जस पूरे ले जाणगे। इस तों इलावा 50% ट्रांसपोर्टेशन फीस दे नाल नाल स्कूलों के बाकी दे जिने खर्चे ने चार्जस ने वह भी अदा करने होंगे। इस दे नाल ही नोटिस दे विच ये भी कहा गया है कि स्कूलों वालों जिहड़ियां सेवावां विद्यार्थियों नूं नहीं दित्तियां जांदियां उस दे कोई भी चार्जस स्कूल नहीं लैणगे। पिछले लगभग 1.5 साल तो सियासत तो दूर पंजाब की नौजवान सियासतदान नवजोत कौर लंबी हुण गायक सिद्धू मूसेवाला के हक विच नितरी है। पहला आम आदमी के नाल जुड़ी रही नवजोत कौर लंबी ने 2017 दीआं चोणां दौरान आम आदमी पार्टी के हक विच दब के प्रचार किया सी, पर लोक सभा दीआं चोणां दौरान आप पार्टी नूं छड्ड के सुखपाल खहरा दी पंजाब एकता पार्टी ज्वाइन कर ली सी। ते लोक सभा दौरान पार्टी नूं मिली वड्डी हार तों बाद नवजोत कौर लंबी ने सियासत तों दूरी बनाई हुई सी, पर हुण नवजोत कौर एक बार फिर तो सामने आई है, वह भी पंजाब के सब तो विवादित गायक सिद्धू मूसेवाला के हक विच बयान दे के। दरअसल नवजोत कौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम उत्ते सिद्धू के हक विच एक लंबी पोस्ट लिख के शेयर की, जिस विच उन्होंने सिद्धू नूं सपोर्ट करन दी गल आखी है। उसने अपनी पोस्ट के राही कहा है कि लोगों नूं सिद्धू दीआं लत्तां खिच्चण दी बजाय उस उत्ते माण करना चाहीदा है कि पंजाब दा गबरू इन्ने उच्चे मुकाम उत्ते पहुंचा है, उसकी गायकी किसी नूं चंगी लगती होवे या फिर ना लगती होवे पर उसनूं सपोर्ट जरूर करना चाहीदा है। लंबी दे वल्लों इस कदर सिद्धू नूं सपोर्ट करना कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहा है ते कुछ लोगों के वल्लों
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उधर रूपनगर के शिव सेना का नेता सुधीर सूरी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूरी इस समय जिला रोपड़ की जेल में है। दस दईए कि सुधीर सूरी नू इलाज वास्ते ज्ञान सागर हस्पताल दे विच भर्ती भी करवा दिता गया है। जेल के सुपरडेंट जसवंत सिंह थिंद ने दसा है कि 17 जुलाई में रोपड़ जेल में लियाने तो बाद सूरी नू एक वक्रे बैरक दे विच बंद किया गया सी ते उसका कोरोना टैसट करवाया गया। बीती शाम उसकी रिपोर्ट जी है कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने दसा कि जेल में बंद 4 होर शिवसेना के जिहड़े वर्कर आ उन्हां दी रिपोर्ट नैगेटिव आई है, परंतु उन्हां दे हुण दुबारा तो टैसट किए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर एन के शर्मा ने दसा है कि सूरी नू इलाज वास्ते ज्ञान सागर हस्पताल विच भेज दिता गया है ते जेल विच उसके संपर्क में जिन्ने भी अधिकारी आए ने कर्मचारी आए ने उन्हां दी टैसट करन दी प्रक्रिया चल रही है। इस दे नाल ही हुण जिले दे विच कोरोना मामलों की गिणती 50 हो गई है। सूरी तो इलावा नंगल पिंड ब्रह्मापुर का एक 42 साल व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सेहत विभाग रोपड़ वालों शुक्रवार तक 19,303 कोरोना के टैसट किए गए। इस समय 719 व्यक्तियों के टैसटों दी रिपोर्टां आउणियां हजे बाकी ने, जदों के 2 मरीज़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई जित के घरां नूं वापस भी जा चुके ने। कोरोना वायरस के इलाज के पुख्ता इलाज के लभदियां भारत के कोरोना वायरस की एक होर सस्ती दवाई शुक्रवार को लॉन्च की गई है। यह दवाई कंपनी जनबर्कट फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई है। इस दवाई का नाम फेविवेंट है, जो कि फेविपिरावर के नाम हेठ मार्केट के लॉन्च हुई है, बेची जाती है। दवाई फर्म जनबर्कट फार्मास्यूटिकल ने शुक्रवार को कहा है कि इसकी कीमत प्रति टैबलेट सिर्फ 39 रुपए है। यह दवाई कोरोना वायरस के हल्के तो दरमियाने लक्षणों वाले मरीजों को दी जाएगी। फेविवेंट 200 मिलीग्राम गोलियों में आएगी, जिस विच एक पैकेट में 10 गोलियां होंगी। यह दवाई तेलंगाना में एक फार्मास्यूटिकल प्लांट में तैयार की जाएगी। तो उधर वीरवार को फार्मा कंपनी ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल ने भी कहा सी कि फेविटन ब्रांड नाम के अधीन फेविपिरावर दवाई की कीमत उन्हें प्रति टैबलेट 59 रुपए रखी है। दस दईए कि फार्मा प्रमुख ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल पहला ही इस दवाई नू बाजार दे विच 75 रुपए प्रति टैबलेट फेबीफ्लू नाम से लॉन्च कर चुकी है। उत्थे ही कोरोना वायरस वास्ते स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया भी भारत में तेजी नाल वध रही है। भारत बायोटेक ते जायडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों के मनुखी परीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार दिल्ली स्थित एम्स में एक 30 साल व्यक्ति को भारत बायोटेक वालों तैयार की गई कोवैक्सीन का इंजैक्शन भी दिता गया। वो दिल्ली का पहला व्यक्ति सी जिसनों ये इंजैक्शन दिता गया है। भारत बायोटेक ते जायडस कैडिला दोवें ही कंपनियां क्लीनिकल ट्रायल दे पहले ते दूजे गेड़ की इजाजत दी गई सी। 15 जुलाई नू वैक्सीन की पहली खुराक कोरोना उम्मीदवारां नू दी गई। ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी वालों तैयार की गई वैक्सीन का जल्द ही भारत दे विच परीक्षण किया जाएगा। यूके की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका नाल काम कर रही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि मंजूरी मिलदिया ही मनुखी परीक्षण की शुरुआत कर दी जाएगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ICMR और नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के नाल मिलकर तैयार की गई है। इस वैक्सीन का 12 शहरों के परीक्षण किया जा रहा है। जिहड़े हस्पतालों के इसका परीक्षण चल रहा है उस विच दिल्ली अते पटना के एम्स अते PGI रोहतक शामिल हैं। जायडस वालों तैयार की गई वैक्सीन का फिलहाल अहमदाबाद के स्थित खोज केंद्र में परीक्षण चल रहा है, पर जल्द ही होर शहरों के भी इसका परीक्षण किया जाएगा। अमरीका दे विच वसे हुए भारती जिहड़े पढ़ाई करन वास्ते जां फिर काम करन लई उत्थे रह रहे हैं, अमरीकी सरकार हुण उन्हां दे विचों कुल 33,593 लोगों नूं डिपोर्ट करन दी तैयारी कर रही है। डिपोर्ट होण वाले भारतीयां दे विचों बहुते पंजाबी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन तो यह जानकारी नॉर्थ अमरीकन पंजाबी एसोसीएशन के कार्यकारी डायरैक्टर ने फ्रीडम ऑफ इनफॉर्मेशन एक्ट के तहत मंगी सी। इस सूची में जेलों या फिर होर कैंपा में बंद भारतीय लोगों की जानकारी भी दी गई है। अमरीकी प्रशासन के वलों इन लोगों विचों डिपोर्ट करन दी कार्रवाई 6 जून 2020 तो चल रही है। नॉर्थ अमरीकन पंजाबी एसोसीएशन के वलों यह जानकारी जुलाई 2019 मंगी गई सी। काउंटी डिटेंशन सेंटर 121 भारतीयों को बंद किया हुआ है, जबकि जैक्सन पारिश कोरैक्शनल सेंटर 38, कार्निस काउंटी रेजिडेंशियल सेंटर 41, लॉजिले कोरैक्शन सेंटर 40, वीन इंस्टीट्यूट 66 ते बाकी अमरीका दीआं होर वख-वख जेलां दे विच उन्हां नूं बंद किया हुआ है।
इस सूची विच उन्हां पंजाबियों की गिणती काफ़ी दसी जा रही है जिहड़े गैर कानूनी ढंग दे नाल अमरीका दे विच दाखल होए सन। अमरीका दे नाल लगदी मैक्सीको की सरहद के राही भी अपनियां जिंदगियां नूं दांव ते ला के कई पंजाबी अमरीका दे विच गैर कानूनी तरीके दे नाल दाखल हुंदे ने। अजिही कोशिश करदिआं ही दसूहा मुकेरियां इलाके दे तीन नौजवान कपूरथला ते अमृतसर चों वी कुछ नौजवान अमरीका जाण वास्ते रस्ते विच किधरे ही लापता हो गए सन। दो साल बाद भी उन्हां दे मापिआं नूं अपने पुत्रां दी कोई भी जानकारी हाले तक पता नहीं लगी। आम आदमी पार्टी पंजाब दे सूबा प्रधान भगवंत मान ने बादल परिवार नूं एक बार फिर तो कटहरे विच लै आंदा है, फिर तो उन्हां नूं खरियां खोटियां सुनाईआं ने। RSS दे किसान विंग भारतीय किसान संघ वालों खेतीबाड़ी बारे ऑर्डीनेंसां दा खुल के विरोध करन उते प्रतिक्रम दिंदे होए भगवंत मान ने कहा है कि हुण तां RSS दे किसान विंग ने भी इन्हां ऑर्डीनेंसां विरुद्ध स्टैंड लै लिया है, पर बादलों की जमीर कदों जागेगी। भगवंत मान ने कहा है कि RSS नाल संबंधित भारतीय मजदूर संघ वालों मोदी सरकार के अखौती खेती सुधार ऑर्डीनेंसां दा विरोध करना मायने रखता है। उन्होंने कहा कि यह ऑर्डीनेंस लियांदे जाण दे शुरुआती दिनों में भारतीय किसान संघ ने कुछ शंके प्रगटाए सन, हुण स्पष्ट रूप दे विच विरोध करके भारतीय किसान संघ दे ने किसान ते खेतीबाड़ी नाल जुड़े सारे वर्गों के पक्ष में स्टैंड लै लिया है। मान का कहना है कि यह वड्डा सवाल है पंजाब अते किसानां दा मसीहा कहाउण वाला बादल परिवार इस मुद्दे उत्ते कुफर क्यों तोल रहा है। किसानां आड़तियां अते खेतीबाड़ी उत्ते निर्भर बहुत गिणती लोगों दिया वोटां दे नाल जित के बठिंडे तो दिल्ली पहुंची बीबा हरसिमरत कौर बादल ने किसानां दे हक विच डटन की थां किसानां दे दीहे कुत्ते ही वजीरी वाली कुर्सी डाल ही है, अजिहा क्यों है। उधर केंद्र सरकार दे वल्लों आज़ादी दिहाड़ा मनाउण संबंधी भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना काल दौरान आज़ादी दिवस नूं भी एहतियाती ढंग दे नाल मनाउण वास्ते कुछ सीधा जारी कीतियां ने। इन्हां दे मुताबक कोरोना कारण अपनाए समाजिक दूरी दे मंत्र दी पालना करदिआं बहुत घट मेहमानां नूं सद्दा दिता जाएगा। VIP कतारां दे विच जिथे पहलां 900 तों 1000 लोग बैठते सन, इस बार ये जिहड़ी गिनती है 200 तों 250 तक रखी जाएगी। बैठन दे इंतजाम विच समाजिक दूरी दे जिहड़ी पालना आ समाजिक दूरी बनाई रखेगी, 2 गज़ की दूरी का पालना किया जाएगा। मेहमानों की अंतिम सूची रक्षा मंत्रालय दे वल्लों तैयार की जाएगी। कोरोना महामारी दे कारण इस साल स्कूली बच्चे जिहड़ी परेड हुंदी है जो प्रोग्राम दा हिस्सा है उहदे विच हिस्सा नहीं लैणगे, सिर्फ NCC कैडेट्स ही प्रोग्राम विच हिस्सा लै सकणगे। प्रोग्राम विच शामिल होण वालियां नूं लाजमी तौर उत्ते मास्क पाउणा पवेगा, थां थां उत्ते सैनिटाइजर दी व्यवस्था कीती जाएगी, स्टाफ PPE किटां दे विच मौजूद होणगे। राज सरकारां नूं भी इह सलाह दित्ती गई है कि डॉक्टरां सिहत मुलाजमां सफाई मुलाजमां नूं आज़ादी दिवस के प्रोग्राम विच उन्हां दीआं सेवावां वास्ते सन्मान देण वास्ते सद्दा दित्ता जावे। इस तों इलावा जो सेहतयाब हो चुके ने उन्हां नूं भी प्रोग्राम विच बुलाउण दी सलाह दित्ती गई है। जानकारी मुताबक प्रधानमंत्री दे नाल जुड़े प्रोग्राम पहलां वांग ही होणगे। प्रधानमंत्री लाल किले तों झंडा लहराउंदी जो उन्हां दी रस्म पहलां हुंदी सी उसे रस्म नूं अदा करनगे। इस दौरान परेड भी होवेगी, प्रधानमंत्री राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। सरकार दे वल्लों जारी सलाह दे विच कहा गया है कि सारे प्रोग्राम इस तरह नाल आयोजित किए जाने चाहिए ने कि ज़्यादा लोगों की भीड़ ना लगे तो समागम वास्ते तकनीक का बेहतरीन तरीके दे नाल इस्तेमाल भी किया जाए। अज दी खबरों विच इन्ना ही, कल दोबारा मिलेंगे, तद तक दे लई धन्नवाद।